हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ जो हमारे बैंगलोर एयरपोर्ट रोड पे है। बहुत बड़े भोले बाबा का एक टेंपल है, मैं वहाँ आई हूँ। मैं बहुत दिन से आना चाह रही थी लेकिन सोची कि इट्स लाइक दिस इज़ द राइट टाइम टू कम हियर। तो अभी हम अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको, इट्स वेरी इजी टू कम, लाइक स्ट्रेट रोड है, आप बाई कार आ सकते हो, ऑटो आ सकते हो, टू व्हीलर आ सकते हो, पार्किंग बहुत अमेजिंग है। सो ये सभी मंदिर के अंदर चलते हैं क्योंकि मैं भी पहली बार जा रही हूँ। लेट्स गो एंड सी कि मंदिर कैसा है और अंदर क्या क्या है। जो भी है मैं आपको सब बताऊँगी। सो दिस इज द एंट्रेंस हियर। तो फ्रेंड्स, ये है मंदिर के अंदर का जो नज़ारा है, ये इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप बैंगलोर में है तो ज़रूर ये मंदिर आइए, क्योंकि मैं आके 2 साल हो गया है मैं लेकिन नहीं आई थी। फाइनली मैं इधर आई हूँ एंड आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू ऑल, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है। इसका जो एंट्रेंस है वहाँ से ही आपको एक अलग फील होता है, लेकिन नॉर्मल मंदिर के तरह नहीं है कि यू नो सामने में घंटी है या कुछ ऐसा है। ये बिल्कुल आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप कोई पिलग्रिम इसमें अंदर गए हो वैसे। सो यस फ्रेंड्स, ये आपको एयरपोर्ट रोड के पास है, बहुत बड़े भोले बाबा के मंदिर है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। एंड बहुत ज़्यादा शोर शराबा था क्योंकि मैं युगादि के दिन गई थी, ये वीडियो थोड़ा लेट अब तक पहुँच रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था मंदिर में, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर जो बात की हूँ वो क्लियरली नहीं सुनाई देता है। इसीलिए मैं सोची कि मैं वॉइस ओवर देके आपको समझाती हूँ कि और क्या क्या है इस मंदिर के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। सो वी हैव द पार्किंग हियर, मतलब इस टेंपल में नीचे में बेसमेंट में पार्किंग भी है, हमें नहीं पता था तो हम बाहर पार्क किए। सो यस, यू हैव इट हियर ऑल्सो। देन फ्रेंड्स, एंट्री में एक्चुअली टिकट्स लेना होता है, तो यहाँ पे 2 तरह का टिकट होता है। एक है बस आप एंट्री लो, एंट्री का टिकट लो, जाओ एंड भोले बाबा का दर्शन करके वापस आ जाओ। लेकिन और एक टिकट होता है जहाँ पे मंदिर के अंदर जितना भी सर्विस है, जो भी है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवाते हैं वो, और बहुत सारा और प्रसाद मिलता है और पूजा होता है, ये सब कुछ का आप वहाँ पे कर सकते हो। तो यस, आप वो करने के बाद, जैसे सबसे पहले शुरू होता है आपको यहाँ पे विद रुद्राक्ष का, ये जो रुद्राक्ष का बॉल आप देख रहे हैं, आपको एंटर करते ही आपको हाथ में रुद्राक्ष का एक बॉल दिया जाता है। आप यहाँ पे 108 ऐसे ही बॉल रखा है, तो एक एक करके आप सब में डालते जाओगे एंड ओम नमः शिवाय बोलते जाओगे। और यहाँ पे गाइड करने के लिए सब है, तो आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये सब के लिए आपको एंट्रेंस में ही टिकट लेना होगा, तो इट्स अराउंड 300 समथिंग। सो आई थिंक वी कैन गो फॉर दैट एंड गेट एवरीथिंग डन, क्योंकि आपको एक बहुत ही अलग सा फील मिलता है। उसके बाद जब हो जाता है तो ये जो पीला धागा है, आप जाके वहाँ पे मन्नत का एक पेड़ है जहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे आप अपना सारे प्रॉब्लम्स छोड़ दीजिए, इसको धागा को बांध दीजिए और घर जाइए। तो ये मुझे ये बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो ये मंदिर में बांधते हैं, फिर बस सारा जो प्रॉब्लम है भोले बाबा के नाम करके वहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दर्शन करते हैं पंचधाम का, जो कि भोले बाबा का 5 जगह है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और माना जाता है कि 10 मिनट में हम ये पंचधाम का दर्शन कर सकते हैं, फील ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। बद्रीनाथ
बद्रीनाथ टेम्पल। केदारनाथ, अमरनाथ, तो फ्रेंड्स वहाँ पे पंचधाम का हमें दर्शन कराया गया और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग का, जो कि हमें एक ही जगह देखने को मिलेगा। चलिए दर्शन करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनियं महाकालं ओंकारेश्वर मल्लेश्वरं पारालयं वैद्यनाथं च दाकिन्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः। माना जाता है कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है जिसका मैंने मंत्र अभी अभी आपको सुनाया, वहाँ पे भोले बाबा खुद दर्शन दिए थे, खुद गए थे, उसके बाद ही ये 12 ज्योतिर्लिंग का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कहा जाता है कि अगर इंसान यहाँ पे एक बार चला जाए तो ज़िंदगी भर का जितना जन्म उन्होंने लिया है उतने जन्म का सारे पाप धुल जाते हैं और हम भोले बाबा की और भी करीब हो जाते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं। Lord Shiva lives inside your heart. Discover the Jyotirlinga inside your heart. Om Namah Shivaya. The Jyotirlinga. केदारनाथ, यहाँ रियोल में जाने का दिल करता है ना, ये पूरा स्नो के बीच में भोले बाबा। एक बार जाना है लेकिन यहाँ पे।
ये है युगादि का जो प्रसाद होता है, ये है बेसिकली जैगरी और नीम का पत्ता का जो बीज बनता है। ट्रस्ट मी, इट रियली टेस्ट गुड। सच में तो फ्रेंड्स, ये था पूरा शिवोहम टेम्पल का, जो भी मैंने अंदर रिकॉर्ड किया था वो दिखाया आपको। और ये बाहर में आप लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। एंड मैं निकल रही हूँ यहाँ से, सो हैप्पी युगादि वंस अगेन। और ये छोटू सा ब्लॉग था जो मैंने शूट किया शिवोहम टेम्पल में। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस ब्लॉग, एंड अगर अच्छा लगे तो डू शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।